ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लाइफ आफ्टर खेल रहे हैं, बिकॉज एक दिन माइनक्राफ्ट, एक दिन लाइफ आफ्टर, जैसे कि आपको पता। तो आज हम इसमें थोड़ा सा काम करेंगे, अपनी जो न्यू बी वाली बुक है उसके थोड़े से मिशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा रिपेयर के लिए मांग रहा था, तो मुझे अभी समझ नहीं आया, तो मैं क्या बाद में रिपेयर करेंगे। तो हम अभी अंदर चलते हैं एंड देन फिर जो मेरे लास्ट में जो मिशन बचे थे न्यूबी बुक के, मैं उनको कंप्लीट करता हूँ। एक मिशन मेरा ये था कि मुझे इस पर कुछ बनाना है एंड देन वो एक मिशन कंप्लीट हो, तो मैं इसको खोल, तो मेरे पास ये होता है फ्रूट, तो मैं फ्रूट जैम बना लेता हूँ। जैसे एक डिश बनानी थी तो या मैंने यही बना दी, तो मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, मेरा वो मिशन हो जाता है। देन फिर अगले पे आते हैं कि हमें स्मॉल कैबिनेट बनाना होता है जो कि हमारा स्टोरेज सिस्टम के काम आएगा, जैसे हमारी पहली चेस्ट है। तो मैं पहले देखता हूँ, फिर वुडन बेंच बनाना पड़ता है इसके लिए पहले, एंड देन फिर हम अपना वो बना सकता हूँ स्मॉल कैबिनेट। तो उसके लिए एक और चाहिए थी, नहीं कैबिनेट थोड़े ज़्यादा चाहिए था मुझे, यहाँ पे कैबिनेट भी बनाना था एंड वुडन स्टोरेज के लिए भी मुझे तीन चाहिए था, तो इसलिए। तो अभी मैं ये टेबल वेबल देख रहा था कि ये टेबल के क्या रूल है, मतलब यूज़ है, सॉरी रूल क्यों बोल रहा था मैं, कि टेबल का क्या यूज़ है, बट मुझे इतना समझ नहीं आया, तो बाद में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ दें ऐसा। तो मैं इधर उधर देखता हूँ एंड या आज भी मैं अपने रेडमी 7A पे खेल रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा अभी तक फ़ोन नहीं आया। आज उनने डेट दी थी टिल फ्राइडे आएगा, बट पता नहीं आई थिंक सो कोरोना वायरस की वजह से उनका कुछ डिले विले हो गया, बट कल फ़ोन आ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, बट होप फॉर द बेस्ट कल आ जाए। सो जिस दिन फ़ोन आएगा उस दिन मेरी एक अपलोड नहीं आ पाएगी, बिकॉज मैं अपना फ़ोन को थोड़ा सेटअप करूँगा, लाइक चीज़ें डाउनलोड करना एंड सो ऑन, तो उस दिन वीडियो नहीं आएगी मे बी, पर कल कल वीडियो ना आए तो या थोड़े से एडजस्टमेंट करना। तो अभी मैं यहाँ पे एक जैकेट भी बनानी होती है, तो जैकेट के लिए ये रैक बनाना होता है, तो मैं यहाँ से एक बंच में ऐड कर देता हूँ कि इतनी बना दो एंड देन फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। तो वो तीन जो बंद मतलब बंच में रखते हो ना आप लोग, तो बंच का एक फ़ायदा होता है कि वो, अब जैसे एक पर्टिकुलर आइटम बनाओगे वो 3 सेकंड में कंप्लीट होगा, और अगर आप 10 भी बना रहे हो ना तो वो भी 3 सेकंड में होंगे, तो ये नहीं आप टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अलग अलग कर रहे हो तो उसका अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो एक बार मैं यहाँ से ये पूरी जैकेट वैकेट बना बना के पूरे ये कलर वलर देख के कि कुछ कलर से होगा डिफरेंस, बट वो मेयर लेवल 2 पे मुझे नहीं पता वो क्या है, तो उस पर खुल रही थी, तो इसलिए मैं उसको छोड़ता हूँ एंड देन फिर अपनी जैकेट बना के एंड देन फिर हो गया हमारा काम। देन फिर यहाँ से मैं अपने रिवॉर्ड कलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ, बिकॉज उसके बीच में मैंने थोड़ी इधर उधर घूमा था, अपनी स्टोरेज सही करी थी तो वो चीज़ें मैंने काट दी, बिकॉज कौन देखना चाहता मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो अभी मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका काम देख रहा था, इसको कुछ समझ आ जाए, बट मुझे समझ नहीं आया, तो अभी चलते हैं हेलीकॉप्टर। तो हम आ गए हैं और ये है हमारा थोड़ा सा मिशन कि हमें लेने हैं बोन्स, 7 बोन्स लेनी है। तो बोन्स लेने में मुझे टाइम लग गया, तो मतलब हिरन थोड़े लेट लेट मिल रहा था, तो मैंने उसको स्पीड एक्स में चला दिया, और यह मैंने आज 2x की जगह थोड़ा ज़्यादा फास्ट करा। अगर कुछ समझ नहीं आता कि मतलब मैं और स्लो मतलब स्लो करूँ तो बताना, बिकॉज आप लोगों को समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, तो दैट्स एन इशू। अगर इतनी स्पीड ठीक है तो मैं अगली बार से एडिटिंग में इतनी करूँगा, बट फॉर माइनक्राफ्ट में 2x ही टाइमलेस जितने होंगे वो 2x की स्पीड में चलेंगे, बट यहाँ पे आई थिंक सो ग्राफिक अच्छे हैं, मतलब रियलिस्टिक से ग्राफिक है, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बोन्स से इकट्ठे करता रहता हूँ, इन्हें मारता रहता हूँ एंड इधर उधर घूमता रहता हूँ, मतलब बीच में मुझे ये नहीं मिलता तो मैं अपने मतलब ये काटने लगता हूँ स्टोन्स वगैरह की इनसे कुछ हो गया, बिकॉज बाद में मुझे वुड एंड मतलब इनकी भी कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो मैं क्या अभी से ही कलेक्ट करने स्टार्ट करते हैं तो तब भी काउंट हो जाएगी।
तो मैं उससे भी बातें करता हूँ, उससे कुछ मैप वैप मिलता है, ट्रेजर मैप है उनको, और मैंने पिछली बार भी मिला था एंड मैंने उसको लगा दिया था एंड मेरा उस टाइम निकलने का टाइम हो रहा था, तो मैं कैसे बाद में ढूंढेंगे एंड मैंने उसे वेस्ट कर दिया। तो मैं उसको छोड़ता हूँ, अभी इधर उधर घूमता हूँ, रात होती है, बट मैं घर में जाने के अलावा मैं इनको मारता हूँ। एंड देन अगर आप इनको रात को मारते हो ना, तो सलमान भाई की याद आ जाती है ना, और ये आपको मारने लगते हैं, बोलते तुमने मुझे रात को मारा था, मैं भी रात की बदला लूँगी। तो मैं अपनी सारी ब्लॉन्स से तुमसे कलेक्ट हो जाती हैं जा। तो मैं अपने बेस में वापस जाता हूँ, मुझे भूख भी लग रही होती है अपने से, नहीं 42 है बट स्टिल मुझे खाने के लिए कुछ बनाना था, तो मैं अंदर जाके एक डिश बनाता हूँ अच्छे से टेस्टी, पता नहीं होगी या नहीं, मैं नहीं खाता तो मेरा प्लेट खाता है बेसिकली। तो मैं इसको यहाँ पे क्राफ्ट के लिए दबाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई डोंट नो मेरा वुड क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरे पास वुड था बट स्टिल नहीं दिखा, बट कोई बात नहीं, माफ़ करते इतना। एंड मुझे लगता है मैं अपना सारा वुड वहाँ पे छोड़ के आ गया। तो मुझे अभी क्या चाहिए, एक आयरन और चाहिए 15, फ्लिंट चाहिए एंड ट्विंक चाहिए। ट्विंक मिलती है हमें पेड़ से एंड देन फिर आयरन और मिलता है हमें स्टोन से एंड देन फिर फ्लिंट मिलती है हमें स्टोन से। तो ये दोनों तो चीज़ें जल्दी से मिल गई थी मुझे, क्या कहता हूँ, आयरन और एंड ट्विंक, बट जो फ्लिंट है वो नहीं मिला मुझे, तो वो मैंने थोड़ा सा एरिया स्किप कर दिया था। तो मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ बारिश होती है तो थोड़े बहुत मशरूम उठा लेता हूँ। एंड अगर आपको मतलब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो और आपकी स्टोरेज भी फुल हो गई ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो हेलीकॉप्टर का एरिया होता है ना, मेलिंग बॉक्स, आप उसको यूज़ करके अपना सारा सामान वहाँ पे भेज दो, आपकी इन्वेंट्री खाली हो जाएगी, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टफ़ अपने पास रखो, लाइक थोड़े से वुड, थोड़े से स्टोन, अपने जो वेपन्स हैं कुल्हाड़ी वगैरह वो, तो वो एक हेल्पफुल रहता है, नहीं तो अगर आप उसे भी भेज दोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने पेड़ वेट काटता रहता हूँ, चीज़ें मिलती रहती हैं, खुशियाँ मतलब मिलती रहती हैं। देन फिर मैं, मुझे पता नहीं मैं क्या रात को ज़ोंबी की आवाज़ आती है, मैं अपने बेस की तरफ उल्टा भागता हूँ एंड वो अच्छी चीज़ हुई कि मैं अपने बेस की तरफ उल्टा जा रहा था, नहीं तो पंगे हो जाते हैं। तो मैं इसको काट रहा था एंड देन फिर इस पेड़ को काटने के बाद आई थिंक सो मैंने और नहीं काटा था, नहीं एक और काटा था, एंड देन फिर मुझे ज़ोंबी की ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी बैकग्राउंड से। तो मैंने सोचा मैं कि चलो छोड़ो अभी के लिए, चलते हैं अपने घर पर। एंड जैसे ही मैं घर में घुसा ना, मेरा एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो उसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी थी। तो उसको मतलब रिप्लाई व्लाई देख के आया जो भी था वो, एंड देन फिर मैं अपना कंटिन्यू करा विदाउट एनी इशू। तो मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड से बंद हो गया था, तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा एंड देन ये जो रात हो रखी थी वो मेरा वापस से दिन हो गया। तो ये मैं अपना थोड़ा सा वुड और ट्विंक कलेक्ट कर रहा था, वुड भी एंड ट्विंक भी, एंड देन फिर मैं आयरन कलेक्ट कर रहा था। आयरन तो मेरा बहुत जल्दी हो गया था, आयरन तो बिल्कुल अंधा मिल रहा था, तो बट फ्लिंट कलेक्ट करने में मुझे टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो पूरा एरिया ही स्किप कर मतलब पूरा स्किप कर दिया। उसको 2x में भी चला था तो भी वीडियो लंबी होती, अभी भी छोटी नहीं, अभी भी वीडियो भी 20 मिनट की है, तो इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया कि सो दैट परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ स्पेस हो खाली करने की, तो मुझे मशरूम दिखता है, मैं मशरूम खा लेता हूँ। देन फिर मैं आगे जाके अपना स्टोन वगैरह काटता हूँ, अपना थोड़ा सा आयरन इकट्ठा करता हूँ, एंड आयरन लिटरली बहुत जल्दी मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लिंट। तो फ्लिंट के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा, देखो आयरन हो गया बट जो फ्लिंट है ना वो बहुत मुश्किल से मिला था, बहुत मुश्किल से, लाइक मुझे अपने थोड़ा सा 10 मिनट स्टोन ही खोदना पड़ता इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो दैट्स अ थिंग। तो मैं वो पूरा एरिया स्किप कर देता हूँ एंड देन फिर मिलते हैं आगे। सो हम आ गए हैं आगे एंड देन फिर मैं अपना जैम खाता हूँ बिकॉज मुझे भूख लग रही है, मेरा पूरा रेड बार हो रखा है वो। तो अभी मुझे याद आ सकता है कि मैं अपने डॉग को भी फीड कर सकता हूँ, और उसका भी एक स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें मैं अपना सामान रख सकता हूँ, सो दैट्स अ नाइस थिंग। तो मैं, मुझे लगता है डॉगी हड्डी खाते होंगे, तो मैं हड्डी खिलाता हूँ एंड देन फिर मैं एक और हड्डी खिलाता हूँ, तो मुझे पता चला लैब्राडोर हड्डी नहीं, उन्हें मीट चाहिए। मैं क्या, वाह अच्छे कुत्ते हैं, तो मैं मीट खिला देता हूँ, मैं क्या कोई बात नहीं अपनी फिफिया।
तो इसलिए मैं इसको मैं दे देता हूँ खाना। दुनिया पता नहीं अपनी मौज मस्ती में कहाँ भग जाती है। आई थिंक सो ये किसी वुल्फ को मारने गई है। तो ऐसा कुछ फैक्टर है कि अगर आप इनको मतलब खाना देते रहोगे तो ये आपकी जोम्बी में लड़ने की मदद करेगी आई थिंक सो समथिंग, बट आई डोंट नो, मैं एक नो ब्रांच गेम है। बट ये चीज़ होनी चाहिए, ये मतलब डोगी का एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे माइनक्राफ्ट में डोंकी आके मदद करते ना, वैसे इसमें भी होना चाहिए कि इन केस आप किसी से फाइट ले रहे हो तो उसे आके डैमेज दें। तो अभी हम मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे ये एक्चुअली स्टोन का मैप में निशान दिख रहा था बट मुझे स्टोन मिला नहीं, तो मैं इधर उधर घूमता हूँ एंड देन फिर मुझे हल्का सा स्टोन मिलता है, पहले मशरूम ले रहा था ना बिकॉज बारिश में मिलता है ये, नहीं तो नॉर्मली नहीं मिलता। तो मैं इधर उधर घूमता हूँ थोड़े से स्टोन के देखते देखते कि कहीं पे तो कुछ मिल जाए, बट इन दी एंड जाके मेरा आखिरी में जाके ख़त्म होता है। मेरे पास दो पहले से ही थे एंड इस एक पत्थर से मुझे दो फ्लिंट मिल जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो मैं अपने हेलीकॉप्टर पे वापस जाता हूँ, सबसे मतलब कुछ बीच में मिलता उलता सामान वामान, तो मैं यहाँ से अपने क्या कहते हैं सर हेल्प हेम्प जो भी कहते हैं तो वो कलेक्ट करके जाता हूँ अपने हेलीकॉप्टर पे कि सो दैट मैं अपने बेस पे वापस जा सकूँ एंड अपने आगे के मिशन कंटिन्यू कर सके अपन लोग। तो एक बार मुझे यहाँ पे ऊपर ये बंदा दिखता है, मैं कि क्या पता कुछ दे देता हूँ, मैं इससे जाके बातचीत करता हूँ एंड देन फिर मैं यहाँ पे बस टैप टैप करता हूँ। मैं लिटरली इनके मैसेज नहीं पढ़ता बिकॉज कौन पढ़ेगा, अगर मुझे बाद में कभी काम पड़ेगा तो मैं मेरे वीडियो में से देख के आई जस्ट स्किप इट। तो मैं अभी यहाँ से निकलने की सोचता हूँ एंड देन फिर मैं अपने प्लेन पे जाता हूँ एंड इससे पहले भी मैंने एक बार अपना सारा सामान जो था वो अपने प्लेन पे धर के मैंने भेज दिया था कि सो दैट इन्वेंट्री में स्पेस हो जाए और मैं कुछ मरूँ तो सामान गायब भी ना हो। इनकेस आप मरते हो तो आपका तो कुछ एक थोड़ा सा आइटम आपका ड्रॉप होता है, ये नहीं कि सारा सब पूरी इन्वेंट्री ड्रॉप हो गई, थोड़ा सा आइटम आपका ड्रॉप होता है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, अपना सारा मेल सिस्टम के थ्रू अपना सारा सामान भेजता है एंड देन फिर अपने घर चलता हूँ। इंडिया इसके जो ग्राफिक है वो भी चेंज होंगे बिकॉज न्यू फ़ोन आने वाला है, उसकी प्रोसेसर अच्छा है, मैं वो ले रहा हूँ रेडमी नोट 8 प्रो, तो 6 GB रैम एंड 64 इंटरनल है, सो दैट्स अ नाइस थिंग। स्टोरेज की भी परेशानी नहीं रहेगी, अभी 32 GB है मेरा, तो इस अभी भी 8 GB खाली पड़ा रहता है मेरा बट स्टिल ज़्यादा स्टोरेज सबको पसंद है। तो मैं अपने बेस पे आता हूँ अपने घर पे एंड देन फिर अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करता हूँ ऊपर से। गले को पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है प्यास लग गई, पानी पी के आना पड़ेगा, गर्मी बहुत हो रही है। और किस किस लोगों ने दिल्ली में भूकंप महसूस करा आज, आज का मतलब आज की डेट आप लगा लो 29 को जो 7 बजे के आसपास भूकंप आया था, भाई मैं बेड पे बैठा था मेरा पूरा बेड शेक हो गया लिटरली, पता नहीं ये साल क्या जाता है, पहले कोरोना देन फिर अदर स्टफ, तो वो भी चल रहा है अभी। हरियाणा में क्या कहते हैं उसे, पिद्दा विद्दा क्या कहते हैं जो फसलें खा रहा, तो या मतलब थोड़ी बुरा साल बुरा जा रहा है पूरे देश के लिए, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, होपफुली रेस्ट ऑफ द ईयर अच्छा जाए। तो मैं यहाँ पे आकर अपने मिशन देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बनाना होता है पिंग आयरन, तो ये मुझे आई थिंक सो इस पे मिलता है बट मैं स्टिल पूरे उस पे जाता हूँ चेक करना, इस पे तो बिल्कुल नहीं है, इसका यूज़ ही नहीं पता मुझे अभी, तो मैं इस पे आता हूँ एंड देन फिर मैं ऊपर वर्क बेंच देखता हूँ, मेक वेपन वर्क बेंच एंड देन फिर पिग आयरन एंड देन फिर मैं इसे क्राफ्ट करता हूँ एंड मुझे लिटरली नहीं पता था मुझे कितने क्राफ्ट करने, तो मैं अपने वो खोलता हूँ, मुझे 6 क्राफ्ट करने थे तो मैं वापस जाता हूँ आर्मर मेकिंग में, नहीं जाना मुझे मेक वेपन एंड देन फिर पिग आयरन को सेलेक्ट करके मैं 5 बनाता हूँ, फिर मैं भूल गया मुझे 6 बनाने थे मैं दोबारा चेक करता हूँ एंड देन फिर दोबारा लगाता हूँ, ये मैंने दोबारा चेक करा फिर मुझे 6 बनाने थे, देन मैं फिर एक और ऐड करता हूँ बिकॉज आदत से मजबूर, एक बार में सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो मैं देखता हूँ मेरा मिशन नहीं कंप्लीट हुआ देन फिर मैं अगेन जाता हूँ, मैं वेपन में जाता हूँ
ये पता नहीं मैं वापस क्यों आया। तो मैं पिग आयरन सेलेक्ट करता हूँ, एक और बार क्राफ्ट करता हूँ एंड देन फिर बैक करता हूँ। आई थिंक सो मिशन कंप्लीट हो गया। देन अभी हमें अपनी राइफल बनानी है, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं बहुत सामान ने मार मार के पक गया था, बिकॉज वो एक तो डैमेज कम है एंड देन फिर रेंज अच्छी है बट डैमेज अच्छा नहीं उसका। तो मैं अपनी पिस्तौल सॉरी शॉटगन कहते हैं सर अगर पबजी के टर्म्स में देखा तो मैं इसको क्राफ्ट करता हूँ। तो मुझे इसके लिए आई थिंक सो एमओ भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ गन पाउडर बनाना पड़ता है मुझे, तो मैं जाके देखता हूँ गन पाउडर के लिए क्या क्या चाहिए। एंड आई थिंक सो मेरे पास है सब कुछ गन पाउडर बनाने के लिए, बट मैं अपनी पिस्तौल बनने का वेट करता हूँ। तो मैं वापस जाके उसमें देखता हूँ कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे गन पाउडर कहता है एंड देन फिर एमओ बॉक्स जो हमारी रिलोड करने में मदद करेगी। तो मैं इसमें आता हूँ, गन पाउडर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर गन पाउडर बनाता हूँ क्राफ्ट। तो या फिर एक और चीज़ बनानी थी हमें, एमओ बॉक्स। तो एमओ बॉक्स आर्मर पे नहीं जाना, देन फिर इसको कलेक्ट करता। ये पता नहीं मैं क्यों बार बार बाहर अंदर हो रहा था, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ नया मिले, कुछ अच्छी चीज़ मिले, बट कुछ नहीं रहता। वही इवेंट में ही अपना पैसा रोकड़ रखाता है। देन फिर मैं अपने उसमें जाता हूँ मेक वेपन। अब फाइनली मैं बना लूँगा आर्मर बॉक्स एंड देन फिर थोड़ी सी शॉर्ट गन यूज़ करते हैं एक बार। मैं वेपन जब बना ही लिया है तो एक बार ये जल्दी से बन जाए देन मैं एक बार आई एम एक्साइटेड टू यूज़ इट। तो मैं अपना वेपन बॉक्स लेता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको रखूँ कहाँ पे, मैं बिल्ड पे दबाता हूँ एंड देन फिर मैं अपनी पूरी बिल्ड का एरिया एक एक पोशन चेक मारता हूँ कि ये बनेगा कहाँ से। बट ये मेरे जो वेपन सेलेक्ट होता है जहाँ से मैं अपनी कुल्हाड़ी वगैरह चेंज करता हूँ वो वहाँ से बनता है, और वो चीज़ मुझे बाद में पता चलती है। तो अभी के लिए तो मैं ऐसे घूम रहा होता हूँ, देखता हूँ मैं कुछ हो जाए बट कुछ नहीं मिलता। तो मैं मतलब हर बार मार के बैक करता हूँ फाइनली कि ये तो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ। तो फिर मैं अपने बैग में जाता हूँ, बैग में पड़ा होता है एंड देन फिर मैं वहाँ से इसको धर देता हूँ। बैग में जाता हूँ, बैग में मेरा एमओ बॉक्स होता है। एक्चुअली मुझे ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं स्पेशल आइटम में भी जाता हूँ कि स्पेशल आइटम हो, बट मेरा यहाँ पे था एंड देन मैं यूज इट पे प्रेस करता हूँ एंड देन फिर मैं अपना एमओ बॉक्स रख देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ से रिलोड करता हूँ अपनी गन। यार पहली बार तो इन्हें रिलोडेड देनी चाहिए ना, ये चिटिंग करता पहली बार रिलोडेड देनी चाहिए सर। और आई थिंक सो हम एमओ के मामले में भी ठीक है, आई थिंक सो इनफ एमओ है हमारे पास। तो ये मिशन है जो कि हम अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार हल्के से पढ़ता हूँ मिशन, एक दो नंबर के तो फॉल फेस्ट में वापस जाना है आई थिंक सो। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड है वो पढ़ना है। तो स्टफ बचा है अभी, बहुत सारी चीज़ें बची है इसमें। आई डोंट नो आगे जाके इसमें क्या होगा और इसका एंड क्या है मुझे वो भी नहीं पता। पता चला मैं इसे पागलों की तरह खेलता रहा और इस ये गेम ख़त्म हो चुका है। तो देखता अभी तो बचा, अच्छा गेम बचा अभी तो स्टार्टिंग आई थिंक सो। तो मैं बाहर जाता हूँ एक बार, अपनी शॉटगन निकालता हूँ एंड देन फिर मैं देखता हूँ कि ये मैं अपनी बाहर कैसे लेके जा सकता हूँ। देन फिर मैं रिट्रीव पे दबाता हूँ, मेरे इन्वेंटरी में वापस आ जाता है। तो मैं बाहर जाता हूँ, मैं शॉटगन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं फायर करता हूँ और मुझे मज़ा आता है लिटरली। तो मैं अपनी शॉटगन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन बूम बूम। तो ये मैं मतलब कभी कभी थ्री फिंगर खेलता हूँ ना पबजी, फोर फिंगर। तो मेरा जो ऊपर इंडेक्स फिंगर है वो काम करते हैं फायरिंग के लिए, तो वो चीज़ें भी हो जाएगी, टू फिंगर पे स्विच कर लेंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो बाय, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो।